गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या और कर सकते हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम और क्या दिमाग में रख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं दैट इज सेंसिटिव टॉपिक, सो जो भी मैं बता रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें, और इस वीडियो से बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट मत होना अगर आप गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये मेरा अपना ओपिनियन, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सो इससे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर सीख सकते हो तो थोड़ी बहुत चीजें सीख सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आप सबको पता है कि जब हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग को चूज किया तो सबसे पहले माइंड में डाला गया था, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो और अच्छे से को रिलेट कर पाएंगे, सबसे पहले हम लोग के माइंड में क्या डाला गया था, सिविल इंजीनियरिंग चूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा मिलेंगी। यस, जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया तो उस टाइम पे काफी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स होते थे, बट फिर भी अगर उस टाइम पे भी अगर देखा जाए तो जो पासिंग स्टूडेंट्स थे, मतलब जो लोग जितने बच्चे पास हो रहे थे, उसके कंपेयर में बहुत ही लेस था। और आज के टाइम में तो गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत ही लोअर लेवल का हो गया है। गवर्नमेंट जॉब का एक सबसे अच्छा अगर कोई फायदा उठा रहा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा रहे हैं, ठीक है, बुरा मत मानना, कई लोग ऐसे भी कर रहे होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं और आपको तैयारी भी करवा के आपके घर भी भेज दे रहे हैं, बट सिलेक्शन के चांसेस कितने हो रहे हैं, 10 लाख स्टूडेंट्स, अगर 100 ओपनिंग्स है तो 100 ओपनिंग्स पर 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। आप समझ ही रहे होंगे, अगर आप 2017 में पास आउट हुए हैं और कम से कम आप 2 साल तक तो उसकी तैयारी करो, मतलब 2019 में आप आ चुके हो और अब आपके पास ओपनिंग्स हैं 100 और आप 10 लाख लड़के बैठ के एग्जाम दे रहे हो, चलो 100 के जगह पे 1000 ही ओपनिंग ले लो, 1000 स्टूडेंट्स और 10 लाख ओपनिंग्स, कितना, सॉरी 10 लाख स्टूडेंट्स और 1000 ओपनिंग्स, कितना कम रेशियो हो जाता है हमारा कि सिलेक्शन होने का। तो मैं इसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ही टॉप लेवल पे हैं तो फिर आप क्या बोलते हैं तैयारी कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा पॉइंट अभी निकलेगा, जैसे कि अगर आप मेरे तरह मीडियम पे टाइप स्टूडेंट्स हैं, मीडियम इन द सेंस मेरा 70% आपने बीटेक में था तो आप समझ सकते हो कि मैं अपने आप को मीडियम मानता हूं, तो अगर इस ग्रेड में आप 70-75 के बीच में है तो आई थिंक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मेरे अकॉर्डिंग यार ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि आप 17-19 तक एग्जाम देंगे, उसके बाद 1000 बच्चे तो निकल गए, बाकी जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर वो दूसरे फॉर्म भरेंगे, करेक्ट है, चलो वहां पर भी 500 सिलेक्शन ले लो, फिर उसके बाद दो और बच्चे कहाँ जाएंगे, वो भी 500 कहीं और चले जाएंगे, 2000, मान लो 10,000 में से अगर 10 लाख में से अगर 1 लाख स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हो गए तो 9 लाख कहाँ जाएंगे, सोच रहे हो, तो आप बोलोगे सर कुछ बच्चे चले जाते हैं नॉन टेक्निकल में, यस, 2-3 साल तैयारी करते हैं सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके बाद क्या करते हैं नॉन टेक्निकल में चले जाते हैं जिसमें SSC है और कुछ लोग IELTS भी नहीं रहते, अच्छी बात है, बट उसके बाद भी देखा जाता है कि जो रिजल्टेंट रहता है 50,000 लोग ही मुश्किल से छन पाते हैं, बहुत बड़ा नंबर बता दिया, 50,000 भी बहुत ज्यादा है, बाकी बच्चे बच्चे कहाँ जाएंगे, 8.5 लाख लड़के कहाँ पे जाएंगे, इसके बारे में कभी आपने सोचा है, वो 8.5 लाख लड़के अब वो 2021-2022 के पास आउट में आ चुके हैं, क्योंकि 17 के पास आउट अब 2022 आ गया, तो समझ सकते हो कितना बड़ा गैप, 5 साल का कैरियर गैप हो गया, इसके बाद अब सोचेंगे कि मैं कहीं पे लग जाऊं प्राइवेट में, क्योंकि गवर्नमेंट मेरा कुछ हो नहीं रहा है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे और अभी तक वो बेचारे सिलेक्शन नहीं पाए, ठीक है, अभी उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि यार ये एक गलत डिसीजन है, क्योंकि ऑफकोर्स 10 साल के बाद जब आप इंडस्ट्री में आओगे तो वहां पूछा जाएगा कि भाई आपने सीखा क्या है, वहां पूछा जाएगा कि आपके पास स्किल्स कौन कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया है, तो बोलेंगे जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया तो फिर इधर क्यों आए हो, तो आपके पास बड़ा ही बहुत ही अगर आप बहुत अच्छे वक्ता है तो आप थोड़ा बहुत उनको समझा पाएंगे, अदरवाइज तो वहां पे आप बोलोगे हाँ सर ये मेरा गलत डिसीजन था मैं, या फिर बोलोगे मेरा सिलेक्शन नहीं पाया तो बोलेंगे अच्छा मतलब वहां नहीं हो पाया इसलिए आप आए हो, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप्स हो जाता है, फिर सैलरी आपकी बहुत लेस हो जाती है प्राइवेट सेक्टर में। मेरा रिक्वेस्ट है आप अपने आप को जज करने के लिए 1-2 महीने की अगर तैयारी करना चाहते हो करो, उसके बाद अगर आपके पास सॉल्व पेपर है तो सॉल्व पेपर को चेक करिए, क्या आप कट ऑफ के ऊपर आप रेटिंग कर पा रहे हो कट ऑफ के आसपास हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो इससे बाहर आके प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी सी कोई भी स्किल्स को ऐड करो। मैं तो बोल चुका हूँ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ढेर सारे स्किल्स है, मीन्स सिविल इंजीनियरिंग के अंदर स्कोप की कोई कमी ही नहीं है, आप RCC स्ट्रक्चर को पकड़ लो, इसमें अपनी मास्टरी तैयार करो, मैंने बहुत कम फी में आपको यूनिक सिविल एप्लीकेशन पे सिखा दिया है, आपको RCC में मजा नहीं आ रहा है आप स्टील स्ट्रक्चर को पकड़ लो, स्टील में आप आराम से पूरी
स्किल्स ऐड करो, स्किल्स के जो स्टील में जो जो चीजों के लगती हैं, जो जो कोर्स लगते हैं उनके बारे में स्टडी करो। पूरा ब्रॉड सेक्टर है स्टील, इसमें भी नहीं आ रहा है पीवी में घुस जाओ। पीवी में प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, उसमें अलग अलग चीजें हैं, सबको डिटेल में सीखो। पीवी में मजा नहीं आ रहा तो प्रीकास्ट इंडस्ट्री को देख सकते हो, प्रीकास्ट इंडस्ट्री में सीखो। और सीखने के बाद लेकिन एक चीज याद रखना है, इन सब चीजों में जब आप एंट्री कर रहे हो तो याद रखो एक चीज माइंड में, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, अप दीपो भव, खुद का दीपक जलाना है, इसका पहले से फोकस में रखो। मतलब ये कि हम जाएंगे, हम आरसीसी सीखने के लिए जाएंगे, मतलब मान लो सपोज आप आरसीसी सीखना चाहते हो, आरसीसी में अपना करियर बनाना चाहते हो, मेरे पास आओ, मेरे से सीखो, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया, बट रुको मत। इसके बाद आपको सोचना है कि यार थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करता हूं तो इंडस्ट्री में भी जाओ, वहां पे भी थोड़ा सा सीखो, रुको मत। उसके बाद सोचो कि हम खुद का कैसे कर सकते हैं। जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे कि खुद का कैसे कर सकते हैं, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है तो 7 साल का एक्सपीरियंस में मैंने ये जाना है कि भाई जब तक आप खुद पे नहीं आओगे, आप खाओगे तो और जियोगे भी अच्छे से, लेकिन इंजॉय करने का जो टाइम आता है वो तभी आता है जब आप खुद का कुछ करते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास फ्रीडम है, आप कब कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आपकी मर्जी है, कितने दिन की छुट्टी मनाना चाहते हो आपके ऊपर है, बहुत ढेर सारे फ्रीडम्स हैं, इसमें भी कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अपना 7 से 8 साल मत खराब करिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री में आएंगे तो इंडस्ट्री आपसे 10 तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, आप परेशान हो जाओगे यार क्या इसको आंसर करूं, ठीक है, क्योंकि वो पूछेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर आपको आता है, क्या स्किल्स आपके पास है। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैंने सर क्या बोलते हैं स्टील की ये राइटर की पूरी बुक पढ़ी हुई है, मैंने गुप्ता गुप्ता पूरी पढ़ रखी है, मैंने बहुत ढेर सारे बुक्स राइटर है आपको पता ही है, मैंने भावी कटी पूरी पूरी मैकेनिक्स के लगा रखी है, उसका वैल्यू नहीं है ना मार्केट में, मार्केट तो जानता है स्किल बेस पे। तो मैं बोलूंगा जल्दी से जल्दी आप अपना डिसीजन ले लीजिए, और जो बच्चे नए पास आउट हो रहे हैं उनको भी क्लियर करना है, 1-2 महीने के अंदर प्रिपरेशन करना चाहो तो कर लो, इसके बाद उसमें टाइम मत लगाओ, क्योंकि अगर 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं तैयारी कर पा रहे हो तो फिर 10 साल में कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ टाइम चला जाएगा। बाद में अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा, कहीं दुकान रखना पड़ा, कहीं बहुत अलग अलग चीजें। तो यार मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पहले से क्लियर कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा कि 7 साल में जो मैंने गेन किया उसमें जो मेरी सैलरी थी लास्ट वो लगभग 60,000 के आसपास थी, तो 60,000 की सैलरी मैंने 5 साल में गेन कर लिया, तो उसके बाद तो मैं अपने ही क्या बोलते रोजगार में आ गया। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट जॉब में, अगर मैं तैयारी करता तो मुझे 7 से 8 साल अगर सिलेक्शन में लग जा देता, उसके बाद पता नहीं क्या सैलरी पाता क्या नहीं पाता, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग यार गवर्नमेंट जॉब में इस समय टाइम लॉस करना समझदारी नहीं है। प्राइवेट में ऐसे इंडस्ट्री चूज करो जिस इंडस्ट्री में आप अपना फ्यूचर देखते हो, ब्रॉड फ्यूचर देखते हो। तो आप बोलोगे सर ये अभी से कैसे डिसाइड कर लूं, तो अभी से डिसाइड कर सकते हो, आज के टाइम में यूट्यूब आपके पास है, 10 तरह के अलग अलग जो भी चीजें आपको दिख रही है, मैं 7-8 चीजें तो आपको बता दिया, वैल्यूएशन में जा सकते हैं, चार्टेड इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स में जा सकते हैं, एस्टीमेशन में जा सकते हैं, प्लानिंग में जा सकते हैं, मॉडलिंग में जा सकते हैं, बीम में जा सकते हैं, इंटीरियर में जा सकते हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स है। दिमाग लगाओ कि मुझे किस प्रोफाइल में मैं अपना कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ इन फ्यूचर, बस उसी प्रोफाइल में एंट्री कर लो। पहले सीखो उनको आसपास कहीं से भी अपनी स्किल्स को ऐड करने के लिए, जैसे ही सीख लेते हो आपको लगता है कि यार अब तो मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, कहीं पर जॉब के लिए लगना स्टार्ट कर दो, छोटी सी सैलरी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सैलरी बड़ी हो जाएगी, फिर दिमाग लगाओ कि अब क्या मैं अपना कर सकता हूँ क्या, तो साइड बाई साइड धीरे धीरे फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करो, जैसे ही ये स्टेबल होता है आपका पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम को बोलो यार नमस्ते हम चल रहे पार्ट टाइम की तरफ। मैंने ये किया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है ना अच्छा लगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट करके बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप जो मैं सोच रहा हूँ क्या सही सोच रहा हूँ, या फिर जो मैंने किया वो क्या सही किया, ठीक है। दिस ऑल आर थिंग व्हाट एवर आई एम सेइंग यू दैट इज माय ओन एक्सपीरियंस, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ नीचे कमेंट करके आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, जिससे कि दूसरे लोग भी पढ़े तो उनका भी बेनिफिट हो जाए। देखो मेरा ओवरऑल मोटो बस यही है कि जो बच्चे अभी सिविल इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, ठीक है, वो बाहर आके उनको ये ना हो जाए कि यार मैंने किया तो ये था, काम इसमें करना पड़ रहा है, ये बड़ा गंदा काम मुझे लगता है यार। इसलिए मैं तो कोशिश करूंगा अपने लास्ट दम तक जितना इंप्रूवमेंट ला सकूं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर लाता रहूंगा, और होप अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अभी तक तो अच्छा ही कर रहा हूँ, और जितने लोगों का हो सका है मैंने करियर बनाने की कोशिश की है। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो यूनिक सिविल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, वहां पर डेली मैं आता हूँ, आपसे डिस्कशन करता हूँ, साथ ही साथ बहुत सी स्किल्स को बहुत आराम से बहुत ही
कम फी में आप सीख सकते हो, ठीक है। मत सीखो बट आप यूनिक्सेल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो, क्योंकि वहां पर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको भी मिलते रहते हैं, मेल आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं, आपका बेनिफिट होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत। आपको किस टॉपिक के बारे में कंफ्यूजन है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे कमेंट करके बताओ जिस टॉपिक के बारे में कंफ्यूजन है, सो दैट कि मैं उसी टॉपिक्स के बारे में आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस का अगर आप फायदा उठाओगे तो आपके 5-6 साल खराब नहीं होंगे, आप मेरे 5-6 साल से सीख सकते हो और अपने 5-6 साल को और ब्रॉड कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से बात करते हुए। तो ये मेरा सजेशन मान सकते हो कि आप कमेंट करिए जिससे उस टॉपिक को क्लियर कर दो, वो गलती आपको न करना पड़े। अदरवाइज हर गलती को करके सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपके ग्रोथ होने में। तो कुछ गलतियां दूसरों के जो भी गलतियां अगर हुई हैं उनसे सीखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।